बाबू आप लोगों को नोटिफाइड डिजीज पर एक ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। अब कब आएगा ये आपका किस्मत है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिजीज, मतलब निम्न में से कौन सा नोटिफाइड डिजीज या अधिसूचित बीमारी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन कौन सी नोटिफाइड डिजीजेस है, ठीक है, तब ना आप बताइएगा कि कौन सा नहीं है। कौन सा है ये नहीं पूछेगा, पूछेगा जनरली कौन सा नहीं है, तो पहले मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा है, तब नहीं वाला बता पाएंगे, ठीक है। तो नोटिफाइड डिजीज क्या होता है, नोटिफाइड डिजीज का मतलब होता है कि ये वो बीमारियां हैं जो कि केंद्र सरकार माइंडसेट के सेक्शन 25(1) के तहत इनको माइनिंग से जुड़ी हुई बीमारी घोषित करता है, ठीक है। नोटिफाइड डिजीज किसके तहत करते हैं, सेक्शन 25(1) के तहत ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड करते हैं। नोटिफाइड डिजीजेस मीन्स दोज डिजीजेस विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंडसेट 1952 एज ए डिजीज कनेक्टेड विद माइनिंग ऑपरेशन। कौन सी बीमारियां हैं जो माइनिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई है और जिनको केंद्र सरकार ने माइंडसेट के सेक्शन 25 के तहत अधिसूचित किया है ऑफिशियल गजट में, ठीक है। ये नोटिफाइड डिजीज हुआ। कौन कौन सा नोटिफाइड डिजीजेस है, कोल माइनस न्यूमोकोसिस, कोल माइनस न्यूमोकोनियोसिस, इसको लोग CMP बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, CMP कोल माइनस न्यूमोकोनियोसिस। उसके बाद होता है सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, मैंगनीज पॉइजनिंग, नर्व्स टाइप, ठीक है। क्या क्या बताया बेटा, ये जो है तीन, ये न्यूमोकोसिस, ये तीनों क्या है, न्यूमोकोनियोसिस है। कितना हो गया बाबू, चार, ये बताइए इसमें से ये तीन जो है न्यूमोकोसिस है, कोल माइनस न्यूमोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। ये एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस डस्ट के चलते होता है, ये सिलिका डस्ट के चलते होता है, और ये कोल डस्ट के चलते होता है, ठीक है। मैग्नीज पॉइजनिंग नर्व टाइप, ये मैग्नीज माइंस में काम करने से होता है। इसके अलावा आपका NIHL नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, इसको पूरा फुल फॉर्म क्या है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है। इसका कॉन्टेक्ट डर्मेट, आठ बीमारी है, कितना नोटिफाइड डिजीज है, आठ, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ये काहे के चलते होता है, कॉज ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ केमिकल्स, केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में होने से जो बीमारी होता है उसको कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, और एक और बचा है कैंसर ऑफ लंग,
कैंसर ऑफ लंग कमा स्टोमेक कमा कैंसर ऑफ लंग या कैंसर ऑफ स्टोमेक या प्लूरा PLURA प्लूरा कमा पेरिटोनियम ये पेरिटोनियम को मेसोथीलियोमासी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेसोथीलियोमास। ठीक है, दीज आर एट डिजीजेस आर कनेक्टेड विद माइनिंग ऑपरेशन एंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। ठीक है, एंड दीज आर कवर्ड इन द शेड्यूल 3 ऑफ द वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923। आज हम मॉर्निंग में सेक्शन 9A और रूल 82A भेजे हैं कि यदि कोई व्यक्ति को ये कोई नोटिफाइड डिजीज हो जाता है तो उसके लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, उसको कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन दिया जाएगा या कितना डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाएगा, वहां जाकर के देखिए। ये मान लो कोई आदमी को बीमारी हो गया तो क्या करना होगा, नोटिस देना होगा। आप लोग पढ़े हैं रेगुलेशन 9, हम 1000 बार बताए रेगुलेशन 9 नोटिस ऑफ डिजीज। ठीक है, और सेक्शन 25 जब भी रेगुलेशन 9 पढ़े आप सेक्शन 25 को पढ़िए। ठीक है, वो दोनों में क्या बोलता है कि यदि कोई आदमी को ये वाला बीमारी हो जाए जो यहाँ 8 नाम लिखे है, कोल माइनस न्यूमिकोसिस सिलिकोसिस मैग्नीज पाइजिंग नाउस टाइप कैंसर ऑफ लंग आर स्टोमेक प्लूरा पेरिटोनियम आर दैट इज मेसोथीलियोमास कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस NIHL नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जो भी इसका लिखा होगा इसमें इसको खाना छूट गया होगा बोलते बोलते इतना जो भी हम बीमारी के नाम बोले ये है नोटिफाइड डिजीज। यदि किसी आदमी को नोटिफाइड डिजीज हो जाता है तो ऐसी खबर मिलने के 3 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर बेटा, 3 दिन के अंदर में ओनर एजेंट और मैनेजर फार्म फाइव में पांच आदमी को नोटिस देंगे, नोटिस ऑफ डिजीज। तो कौन सा, मलेरिया का ना, ये वाला का देना है नोटिस ऑफ डिजीज। ये वाला जो नोटिस हो डिजीज हो गया तो इसका नोटिस माई CMR 2017 के फॉर्म 5 में 5 आदमी को देना है, CIM को देना, RIM को देना है और इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल को। तो ये तीनों अफसर तो कहां के हो गए, DGMS ऑफिशियल हो गया, CIM, RIM और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल, ये 3 आदमी तो वहीं का हो गया जिस जिला में माइन है उस जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और एक कम हम बताए कि ये जो बीमारियां हैं ये कहां कवर होती है, दिस डिजीज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। तो वो जो 1923 का वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट है वो ये बोलता है कि ये जो बीमारियां हैं इसको ये मान के पेमेंट किया जाएगा किसी आदमी को कि उसको बॉडीली इंजुरी हुआ है, उसके लिए जो पेमेंट का तरीका है वही इसके लिए होगा। ठीक है, एक और तो उसको पेमेंट देने वाला कोई आदमी चाहिए ना, तो जो पेमेंट देगा वो कौन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इतना ही इसमें याद रखिए।